नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। वहीं जमुई के झाझा में हुए पैक्स चुनाव का मतगणना शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर मतगणना अब भी जारी है और कुछ जगहों पर चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 9 पंचायतों में से 12 जोर के विजय कुमार 551 मत, बलियाडीह के अरविंद यादव ने 233 मत, बैजला के हरि यादव ने 216 मत, करहरा के राजेश यादव, वहीं करमा के बच्चू यादव ने बहुमत प्राप्त कर अपने पैक्स क्षेत्र से जीत हासिल की है। आज देखिए, आज दो मुख्य चीज़ें हैं। पहले तो सरस्वती पूजा है, तो काफ़ी जगह मनाया जा रहा है, उसका अनुश्रवण कर रहे हैं हम लोग। और दूसरा, पैक सिलेक्शन जो कल संपन्न हुआ, उसकी अब काउंटिंग चल रही है। दोनों चीज़ें अभी तक शांतिपूर्ण है। इलेक्शन का पूरा काउंटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, दो राउंड यहाँ झाझा में अभी बचता है। अभी तक सब शांतिपूर्ण है और आगे भी एक डेढ़ घंटे में ये लोग संभवतः काउंटिंग कम्प्लीट करा लेंगे। और जहाँ तक सरस्वती पूजा की बात है, तो हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, जितने मजिस्ट्रेट्स हैं सब अपने अपने क्षेत्र में सब जगह देख। तो वहीं इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जमुई से हर्ष जुड़ चुके हैं। हर्ष, 9 पंचायतों में से जो जमुई जिले के जो 9 पंचायत हैं उनमें पैक्स का चुनाव किया गया है, वहां से क्या कुछ अभी निकलकर अपडेट सामने आ रहा है हर्ष? बिल्कुल, आपको बता दें कि जमुई जिले के सभी मतगणना केंद्रों पर आज जो कि मतगणना होना था पैक्स अध्यक्ष को का चुनाव को लेकर, तो लगातार जिला अनुमंडलाधिकारी और जिला अधिकारी के निर्देश में लगातार सारे प्रशासनिक और विभागीय पदाधिकारी जो हैं वो निरीक्षण करते नजर आए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन की भी हर एक मतगणना केंद्रों पर पूरी टीम मुस्तैद के साथ तैनात थी। वहीं बीएमपी जवान भी इसके लिए नियुक्त किए गए थे। कई जगह शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना संपन्न हुआ, तो कई जगह थोड़ी बहुत गहमा गहमी भी नजर आई। जैसा कि आपको बता दें कि जम्मू जिले के झाझा प्रखंड अंतर्गत बैजला पंचायत के पैक्स अध्यक्ष चुनाव में पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों की आपस में कुछ देर के लिए झड़प और भिड़ंत हो गई, परंतु स्थानीय प्रशासन बल की मौजूदगी से माहौल को तुरंत शांत करवा दिया गया। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका। तो जमुई जिले के 9 पंचायतों में जो है पैक्स चुनाव किया गया है और इनमें से कई पंचायतों का जो है आज मतगणना भी की गई है और उसमें से कई पंचायत के जो है परिणाम है, जो मतगणना हुई उसे भी घोषित कर दिया गया है। तो फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए नेशन न्यूज के साथ।